और करीब दो महीने के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कल से हवाई जहाज उड़ेंगे। सभी फ्लाइट हवा में उड़ान भरेगी, जिसको लेकर एयरपोर्ट में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। यात्रियों को कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना होगा। सोशल डिस्टेंस और बस सेवा के बाद अब बारी हवाई यात्रा की है और इसकी तैयारी रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हो गई है। हमारे साथ डायरेक्टर विनोद शर्मा जी हैं, उनसे सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस वक्त यहाँ इस एयरपोर्ट पर बहुत सारे कर्मी जो हैं वो काम कर रहे हैं और इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हवाई यात्रा की शुरुआत हो। विनोद जी, सबसे पहला सवाल ये कि कल जब शुरुआत हो रही है, कितने फ्लाइट आने वाले हैं या फिर जाने वाले हैं? अभी जैसे हमें टेंटेटिवली अभी फाइनल हमारे पास शेड्यूल नहीं आया है, पर टेंटेटिव जो शेड्यूल आया है उसमें 9 फ्लाइट आएंगी और 9 फ्लाइट जाएंगी। इन 9 फ्लाइट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 4 फ्लाइट जो है वो इंडिगो को दी गई है, 2 फ्लाइट एयर एशिया को, 2 फ्लाइट गो एयर को और 1 फ्लाइट एयर इंडिया को दिया है। तो टोटल 9 फ्लाइट हैं हमारी अभी। जो इंडिगो वाले हैं वो हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली इसको कवर करेंगे। एयर एशिया और गो एयर ये बेंगलोर और दिल्ली को कवर करेंगे और एयर इंडिया की जो एक फ्लाइट है वो दिल्ली से आएगी। अब सवाल ये उठता है सर कि चूंकि ट्रेन के अंदर में भी हम लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया, बस के अंदर भी ये सारी चीज़ें देख, क्या फ्लाइट के अंदर ये संभव है या फिर जब यहाँ यात्री पहुँचेंगे उस दौरान आप क्या कुछ सावधानी बरतने वाले हैं? बिल्कुल जी, 100% संभव है सोशल डिस्टेंस और उनका कंप्लीट चेकिंग और उसी के बाद उनको बोर्डिंग कराएंगे, जिसके कि हमने और पैसेंजर को टच फ्री, बिना उसको उनको संपर्क किए और बिना उनको टच किए हम उनको पूरा बोर्डिंग करवाएंगे। उसमें दोनों की अच्छी वो है, क्या नाम जो वो है, ज़रूरत है कि पैसेंजर की भी सेफ्टी है और हमारे एम्प्लॉयज़ की भी सेफ्टी है। इसमें सबसे पहले जैसे पैसेंजर आएंगे हम उनको सोशल डिस्टेंस की हमारी मार्किंग हो गई है, मार्किंग के तहत जो है हम उनको सोशल डिस्टेंस में उनको खड़ा होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस के होते सबसे पहले एयरपोर्ट के बाहर ही उनके बैग का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद बैग को सैनिटाइज करने के बाद उनका थर्मल स्कैनिंग हमारे एयरपोर्ट के बाहर ही होगा, जो कि हमारा बूथ लग गया आप जैसे देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के मार्किंग है, थर्मल स्कैनर की मार्किंग हो गई है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमारा एक सैनिटाइजर का हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम लग रहा है, जो कि पैसेंजर बिल्डिंग में एंटर करने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करेगा हमारे सैनिटाइजर से। उसके बाद वो जो है हमारा जो वेबकैम है उसमें अपना बोर्डिंग कार्ड, जैसे कि अभी नए आदेश आए हैं कि पैसेंजर जो है अपना बोर्डिंग कार्ड वेब चेक करके आएगा, तो और उसमें जो है जब वो उसको बोर्डिंग कार्ड निकलेगा तो उसमें उसका सेल्फ डिक्लेरेशन, आरोग्य सेतु का ओके, वो सारा ही उसको बोर्डिंग कार्ड निकलने से पहले ही उससे पूछ लिया जाएगा। बोर्डिंग कार्ड को वो हमारे गेट पे दिखाएगा और वेब कैम पे अपना आईडी दिखाएगा, अंदर जो हमारे सीएसएफ के जवान बैठे हैं वो स्क्रीन में उसको देखेंगे और उसको फिर अंदर अलाउ करेंगे। जब अंदर जाएंगे तो हम ये 15-15 के बैच में हम पैसेंजर्स को अंदर छोड़ेंगे ताकि वो अंदर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, और उसके बाद जो पैसेंजर अंदर जाएगा वो अपने बैग को रजिस्टर्ड बैगेज में स्क्रीन करवाएगा, अपने आप ही उठाएगा, उठा के वो चेकिंग काउंटर्स पे रखेगा। चेकिंग काउंटर में बोर्डिंग कार्ड उसके पास है, वो जस्ट कार्ड रीडर के आगे रीड करवाएगा और उसको बैगेज टैग मिल जाएगा। बैगेज टैग को वो अपने टैग पे लगाएगा और वो अपना सिक्योरिटी SHA में चला जाएगा। इसमें हमको लगता है कि सर आप यात्रियों को थोड़ा पहले बुलाएंगे, दो घंटे मिनिमम, 2 घंटे। यहाँ एक चीज भी नोटिस करने वाली है कि अभी जितने यात्री आएंगे उनको खुद से कुछ काम करने हैं, ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि जैसे कि वो अपना बैग को खुद उठा रहे हैं, अभी जैसे ट्रॉलीज का भी उनको मना हो गया, हमको आदेश आ गए कि ट्रॉली भी नहीं देनी है। ट्रॉली हम जरूरतमंद, कोई लेडीज है या कोई बुजुर्ग लोग ट्रेवल कर रहे हैं जिनको अपना सामान उठाने में दिक्कत हो रही है, तो ट्रॉली ऑन रिक्वेस्ट उनको ट्रॉली दी जाएगी, अदरवाइज ट्रॉली नहीं दी जाएगी। तो अभी मोटा मोटा ये आप समझिए कि सबकी बेहतरी के लिए ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं कि पैसेंजर अपना बैग खुद कैरी करे और उसके बैग को कोई टच ना करे, वो खुद ही अपने बैग को टच करे, तो इससे उसकी भी सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है। जैसा कि 9 फ्लाइट आएंगी और जाएंगी, यात्री फुल हैं, फुल स्ट्रेंथ? हाँ जी, बहुत फुल स्ट्रेंथ है जी,
बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और जैसे एयरलाइंस से मुझे पता चला था कि फ्लाइटें सारी मतलब फुल हो रही हैं। जी ये कंटिन्यूस रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा जी। एक अंतिम सवाल कि अंदर खाने पीने के जो पहले जो व्यवस्था थी उसमें भी शायद कटौती की गई है? जी नहीं, पानी पीने की व्यवस्था अभी क्या है कि पानी के लिए जो फाउंटेन हमारे लगे हैं वो फाउंटेन हमने लगा के रखे हुए हैं, पर वही फिर टच वाले हैं, तो अभी हमने टच वाले को अभी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो पैसेंजर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना पानी खुद लेके आएं। वैसे हमारे वॉशरूम्स बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे, वॉशरूम में सोप सैनिटाइजर पूरा अवेलेबल रहेगा और पैसेंजर को किसी भी दिक्कत नहीं आएगी, पर वो वाटर की अप्रूवल आ चुकी है, सैनिटाइजर की अप्रूवल आ चुकी है, वो लेके जा सकता है तो वो लेके आए। फ्लाइट के अंदर पहले जैसी व्यवस्था या उसमें भी कुछ? नहीं, फ्लाइट में भी जैसे कि हम आया था कि उनमें फूड वगैरह सर्व नहीं किया जाएगा। जी जी, ये थे विनोद जी और इन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातों को रखा है कि अब हवाई यात्रा के जरिए भी इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना संक्रमण के इस जंग के दौरान लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक बहुत ही आसानी तरीके से पहुंच पाएंगे। लेकिन तमाम यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 रांची।